ओम ज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। मैं सर्वप्रथम आई एम अफोर्डिंग माई अनलिमिटेड ओबेंसेस टू माई स्पिरिचुअल मास्टर नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज आफ्टर सेम ओबेंसेस अफोर्डिंग माई शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पादष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज। नाउ आई ट्राई स्पीक इन हिंदी एंड ही डू ट्रांसलेशन। ओके सो कहते मेरे जो शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज कहते इनकी जो महिमा है जैसे कहते हरि अनंत हरि कथा अनंत जैसे गुरुदेव का कथा भी उसी तरह गुरुदेव का कथा भी अनंत है। हम गुरुदेव की महिमा को हम गा ही नहीं सकते तब भी हम लोग थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे गुरु जी की महिमा को थोड़ी सी स्पर्श करने के लिए। बोलो तो हरे कृष्णा। सो लाइक गॉड ही इज इनफाइनाइट एंड हिज हरिकथा इज इनफाइनाइट सिमिलरली इज द केस विद गुरुदेव। We will try to glorify our Gurudev have infinite glories, but I'll try to speak a bit of it and we will listen to the glories of Gurudev. Okay, Hare Krishna. Kehte hain hamari Gurudev ka jo naam hai Srila Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Lekin unka jo naam hai Narayan, agar unko naam mein hi unke sare mahima unka naam mein hi विद्यमान है। इसलिए हमारे भारत में जब कोई नाम रखी जाती है ऐसे नहीं मन में जो कुछ आए उसका नाम रख दे। शास्त्र की हिसाब से ही जन्म नक्षत्र का हिसाब से ही नाम रखी जाती है। इसलिए उनका घर का नाम भी था नारायण। लेकिन जब उन्होंने श्री गुरु जी पास में आए भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज के पास में उनका गुरुदेव भी उनका नाम रखा गौर नारायण। जब फिर उन्होंने सन्यास ग्रहण किया उनका नाम भी श्रील भक्ति विधान श्रील नारायण गोस्वामी महाराज। इसलिए उनका नाम ही हर समय नारायण 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 हर समय नारायण नाम रखा। कारण क्या है बोले गुरुदेव जब उनके नाम रखते हैं ऐसे नाम नहीं रख लेते क्योंकि उनका गुरुदेव कौन भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज। कहते कृष्ण लीला में ये विनोद मंजरी है। इसलिए गुरु जी को हर शिष्य का जो भावना हर शिष्य का अंदर में क्या चीज है वो गुरुदेव जानते हैं। इसलिए उनका नाम वो जो नाम रखते हैं वो भी शास्त्र दृष्टि और रस सिद्धांत और तत्व दर्शन को लेकर के उनका नाम रखते हैं। इसलिए अभी प्रश्न है उनका नाम नारायण क्यों रखा है। So in India, there is a culture of naming the kid basis the scriptures. And our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, his glories can be determined by his name. Before joining the mutt in his Purva ashram, his name was Narayan Tiwari. When he joined the ashram, his Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he named him as Gaur Narayan. And after taking sannyas, he received the name Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. So a Gurudev, his Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj is Vinod Manjari in eternal service in the spiritual realm. So he is aware about the eternal form of his disciple, of the Siddha Swarup, which is why when he named his disciple, it was totally basis the philosophical
philosophical aspect and the rasa swaroop of Srila Maharaj. Now the question comes up, why he was named as Narayan? So ek shlok hai Narayan naam ka bhi ek shlok hai bole Narayan daya sindho vatsala guna sagar enam rakham jagannatham बहु जन्म अपराधिना कि भगवान का नाम ही नारायण है, इसलिए कहते नारायण का एक अर्थ हो तो बोले नारायण दया सिंधु। कहते भगवान का नाम नारायण की क्यों, बोले वो दया की सिंधु है भगवान। बोले बात्सल्य गुण सागरम, नारायण मतलब होता है जो बात्सल्य का जो सागर है। कहते एनम रक्षम जगन्नाथम बहु जन्म अपराधिना, नारायण क्या करते हैं हमारे जन्म जन्मांतर का सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। इसलिए ये जितने गुण ये नारायण के अंदर में हम देखते हैं हमारे श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर में भी ये सारे गुण विद्यमान है। इसलिए एक अर्थ होता है नारायण, बोले नारायणाम अशखम भक्ता नाम अयन इति नारायण। नारायण का एक अर्थ होता है नर मतलब होता है इंसान, अयन मतलब आश्रय, जो असंख्य जीवों को अपना चरण में आश्रय देते हैं इसलिए उनका नाम नारायण है। सचमुच से हमारी महाराज जी के अंदर में हम देखते हैं इनको पास में कोई भी आए इन्होंने सब जीवों को उन्होंने अपना चरण में उन्होंने आश्रय दिया है, सबको जीवों हर जीव को उन्होंने आश्रय दिया है। इसलिए हम उदाहरण देते हैं हमारी महाराज जी को जैसे श्री जीव गोस्वामी, इसलिए जैसे जीव गोस्वामी को पास में विशेष करके नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास ये तीनों ने श्री जीव गोस्वामी के चरण में आए, लेकिन ये कोई भी जीव गोस्वामी का शिष्य नहीं थे। ये सब के सब श्री नरोत्तम दास ठाकुर कति ये शिष्य लोकनाथ दास गोस्वामी का, श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य क्या नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य कहती है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का, लेकिन जीव गोस्वामी इनको अपना चरण में आश्रय दिया और उनने ये नहीं सोचा ये मेरे शिष्य ये मेरे शिष्य ये मेरे शिष्य। इसलिए अक्सर करके जो लड़ाई झगड़ा होता है वो मैं मेरा ते तेरा लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, ये मेरा शिष्य ये तेरा शिष्य उसका शिष्य। लेकिन गुरु जी के अंदर में हमने निकट में रह करके देखा है गुरुदेव कभी भी ये भावना नहीं रखते थे वो इसका शिष्य इसका शिष्य इसका शिष्य। इनको पास में जो जो आए गुरुदेव सबको उन्होंने भक्ति की शिक्षा दिया और जैसे श्री जीव गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य ये तीनों को तीनों दिशा में भेज करके महाप्रभु का वाणी को प्रचार प्रसार किया, हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भी इन्होंने सभी का शिष्य को जैसे भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज का जो कोई शिष्य आए जैसे भक्ति वेदांत श्री नेमी महाराज, भक्ति वेदांत श्री बैखनास महाराज, भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज, भक्ति वेदांत जैसे आश्रम महाराज गौर गोविंद महाराज का आश्रित है, भक्ति वेदांत श्री मुनि महाराज है और भक्ति वेदांत श्री बहुत सारे महाराज लोग है जैसे मैं हूँ भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज का आश्रित, मैं भी महाराज को पास में आए भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज जैसे ये भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज शिष्य, मधुसूदन महाराज जैसे भक्ति जीवन श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज, ये सब के सब अलग अलग शिष्यों का गुरुदेव का शिष्य गुरु जी के चरण में आए और गुरुदेव उन्होंने सबको चरण में आश्रय दिया और आश्रय दे करके जैसे श्री जीव गोस्वामी सर्वत्र महाप्रभु का वाणी प्रचार प्रसार किया उसी तरह गुरुपाद पद्म भी विश्व में महाप्रभु का वाणी अभी भी ये सबका शिष्यों को द्वारा उन्होंने सर्वत्र हरि भक्ति को प्रचार कर रहे हैं। इसलिए नारायण मतलब होता है हर जीव को जो अपना चरण में आश्रय दे करके सबको प्रेम भक्ति प्रदान करे, इसलिए एक नाम नारायण। सचमुच से हमारे गुरु जी के अंदर में भी ये गुण दिखाई पड़ता है। So the name Narayan, which have been given to our Gurudev in scriptures, there is a shlok given which says Narayan Gunanidhi, which means he was the ocean of all the good qualities. Narayan Daya Sagara, he was the ocean of mercy. Narayan Vatsalya Sindhu, he had the affection like a mother, and not just one mother, it was a complete ocean.
And the jiva who have a lot of offenses from a lot of lives, all those offenses only Narayan, Lord, can forgive and give shelter to the jivas. So similar was the case with our Gurudev. He gave shelter to everyone who came to his lotus feet. And Narayan, Nar plus Ayan. So Nar means jiva and Ayan means shelter. So truly, he can be compared with Srila Jiva Goswami Pad. Like Srila Jiva Goswami Pad, Narottam, Srinivas, and Shyamanand. These three are the disciples of Loknath Das Goswami, Sri Hriday Chaitanya Prabhu, and Gopal Bhatt Goswami. These three were not the disciples of Sri Jiva Goswami Pad directly. But still, when they came to the shelter of Sri Jiva Goswami, he gave shelter to them and With bhakti ras, he nourished all three. And along with that, when he sent Narottam, Srinivas, and Shyamanand in the three directions for preaching, similar was the case with our Gurudev. It has been seen in his life, all the sannyasi disciples of Srila Gurudev, like Bhaktivedanta Nemi Maharaj, Bhaktivedanta Ashram Maharaj, Bhaktivedanta Padmanabh Maharaj, they were disciples of Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. But after taking sannyas from Srila Gurudev, they are preaching in the entire world. Srila Bhakti Vedanta Muni Maharaj, he is the disciple of Sri Gaur Govinda Maharaj. Sri Bhakti Vedanta Siddhanti Maharaj, he is the disciple of Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Srila Bhakti Vedanta Madhusudan Maharaj, disciple of Sri Janardhan Maharaj. So everyone from different families, they came close to Gurudev, and Gurudev gave them shelter by his Harikatha, by Bhakti Ras. And usually there is fight, there are clashes for what? Me, mine, you, yours. But staying very close with Gurudev, I have experienced that he did not have such kind of mentality at all. Whosoever took his shelter, he gave him a lot of affection and he nourished with his Harikatha. So which is why the Narayan name completely... the Narayan name completely glorifies his glory. Hare Krishna. Another meaning of Narayan. Naram matlab hota hai agyanam. Isliye jo ki jeev ka samasta agyan ko jo dur karte hai. Nar matlab hota hai ras. Ayan matlab hota hai asray. Kate samasta ras ka jo asray hai kadiye नारायण है। सचमुच से हमारी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अंदर में सारे नरस्य प्रेम भक्ति ज्ञानस्य, जिसे नर का मतलब होता है जो प्रेम भक्ति रूपी जो ज्ञान जिनको को अंदर में परिपूर्ण रूप में गुरु जी कहते जिनके अंदर में, इसलिए हम देखते हैं सचमुच से गुरु जी के अंदर में ऐसे ज्ञान था, ऐसे गुरुदेव ज्ञान के भंडार गुरुदेव थे जो एक बार गुरु जी के पास में हरि कथा सुन ले, पास जिनकी हरि कथा को सामने सभी की हरि कथा फीकी पड़ जाती थी, जो एक बार गुरु जी की पास में हरि कथा सुनते थे कोई व्यक्ति, और जिनको पास में प्रेम भक्ति युक्त बा रूपानुग ज्ञान जिसको पास में कहते वो नारायण है। इसलिए वास्तव रूप में हमारे जो गुरुपाद पद्म है जिनके अंदर में ये हर समय श्री रूप गोस्वामी का विचार वैशिष्ट को विशेष विशेष करके ये जगत में जीवों को उन्होंने शिक्षा प्रदान किया है। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे पहले अपना जीवन का लक्ष्य क्या, इस चीज को पहले रखो, उसको बाद में फिर हमें साधन करनी चाहिए। इसलिए विशेष करके गुरुपाद पद्म ने हमारी हृदय में उन्होंने रूप गोस्वामी के चरण की एक धूल बनना ही, राधा रानी की दासत्व को प्राप्त करना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। सचमुच से गुरुपाद पद्म ने ये चीज को हमारी कण कण में गुरुदेव ने, ये ज्ञान को गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है। इसलिए गुरुदेव के अंदर में इतने जो कृष्ण भक्ति रस का इतने गुरुदेव के अंदर में ज्ञान था, इसलिए जो एक बार गुरु जी को कथा सुन लिया, बस जीवन में और किसी की कथा सुनने का जरूरत नहीं। इसलिए सचमुच से गुरुदेव, सचमुच से जो इनका नाम नारायण है, वास्तव रूप में गुरुदेव ने इनका जो नाम दिया ये सार्थकता इसमें दिखता है। The another meaning of Narayan, Nar means ras, mellow, and Ayan means shelter. So he was actually the shelter of Ras Harikatha. Listening to his Harikatha, one can very well examine
how he was completely filled with that sweet pastimes and nectarian harikatha of that transcendental world. And especially Srila Gurudev would say that without speaking about the glorifications of Sri Rupa Goswami, what is Rupa Anugatva? Till the time one is not aware of the instructions and the moods of Srila Rupa Goswami, he cannot perform the bhajan. So he would say that one should decide his goal first. What is our goal? To become the dust of the lotus feet of Sri Rupa Goswami, or to become the dear maid servant of Srimati Radharani, should be the ultimate goal of the jivas. And according to that goal, he would speak the harikatha, the sweet harikatha, which he would speak all the time. If one has listened to his harikatha, then there nothing else is left. One will be completely absorbed while listening to his harikatha. Such sweet harikatha he would speak. Sri Mata Kunti jab Krishna ki stuti karti hai, Kunti kehti hai Prabhu, जिसको बात मिले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभि रे दमान मदपमान, कुंती कहती है प्रभु जिसको अंदर में ये चार गुण रहेगा वो कभी भगवान तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकता है। चार गुण की एक बात छोड़ दो, जिसको अंदर में एक गुण भी आ जाए तो वो इतने जीव का अंदर में अहंकार अभिमान ले आता है, वो तेरा भक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं गुरु जी के अंदर में ये चार के चार गुण गुरुदेव के अंदर में पूर्ण रूप में गुरु जी के अंदर में विद्यमान था। लेकिन रहते हुए ये भी भगवान गुरुदेव जो भजन करते थे, इसका मतलब हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ये कोई साधारण जीव नहीं थे। इसलिए स्वयं वृंदावन में राधा रानी सेवा कुंज के जो पुजारी को स्वयं राधा रानी आदेश दिया, लो ये प्रसाद और प्रसाद माला श्री नारायण गोस्वामी महाराज को दे करके आना, क्योंकि नारायण गोस्वामी महाराज मेरी मंजरी, नारायण गोस्वामी महाराज मेरी सखी और ये मंजरी सचमुच से श्री गुरुपाद पद्मा की राधा रानी की एक सखी और एक मंजरी। इनका नाम था रमन, मंजरी गुरुदेव का नाम। स्वयं राधा रानी स्वप्न दे करके पुजारी को भेजते हैं गुरुदेव के पास में, राधा रानी स्वयं स्थापन करती है श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज मंजरी और सखी। इसलिए कहते हैं बोल देता। So Shri Kunti Maharani, while she is glorifying Krishna, she said, "Janm Aishwarya Shruta Shribhi Redman Madhapuman." That, O Krishna, someone who has these four qualities, Janma, which means born in high class family, Aishwarya, opulence, Shruta, knowledge, and Shri, beauty. If one has these four qualities, then he would not be able to perform your bhajan. But it has been seen in the life of our Gurudev that he had all these four qualities in fulfilled amount, but still he performed bhajan. So it is very clear that he was not a conditioned soul. He was a great personality. And in fact, Srimati Radharani herself has proved she gave dream to the pujari of Seva Kunj. And Sri Radharani herself is proving that Sri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, she is Raman Manjari. Sri Radharani gave dream to the pujari of Seva Kunj and said, "You gave this prasadam and remnant garland to Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj because she is my dear maid servant." So these qualities were present in her, in Srila Maharaji. But even after that, he was a great personality. It is proved by Srimati Radharani. Yeah. First quality, the janma. Maharaj, kahan par janma liye hai? Bole Gurudev ne sadharan jagah par janma nahi liye. Unne Baksar jila, Bihar ka Baksar sthan par, jahan par, wahan par janma liye. Jo Baksar sthan, kaun sa sthan hai? Jahan par Sri, hamare Vishwamitra ji ki jahan par bhajan sthali, जहां पर भगवान राम लक्ष्मण सीता जब वनवास में गए, जिस बक्सर वहीं पर ही हमारे राम लक्ष्मण सीता वहीं पर निवास किए, और भगवान राम जहां पर तारका को जहां पर उन्होंने वध किया है। इसलिए जहां गुरुदेव जन्म ग्रहण किए वो जन्म भगवान राम का लीला स्थली है। अब विशेष करके जन्म गुरुदेव कौन सा परिवार में जन्म लेते हैं, बोलिए तिवारी। तिवारी हमारे बिहार का ब्राह्मण परिवार में, और ब्राह्मण में भी काटागुड़ी होता है, लोयर कास्ट और
हाई क्लास ब्राह्मण, लेकिन वहां पर गुरुदेव ने जो तिवारी इनका नाम था, सचमुच से जो तिवारी है, कहते ये उच्च ब्राह्मण घर में गुरुदेव का जन्म हुआ है, इसे स्थान भी बड़े ऊंचा और उन्होंने घर उन्होंने परिवार में उच्च ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए, इसलिए हमारे शास्त्र में बताया वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, वर्ण में ब्राह्मण गुरु वर्ण में ही भगवान जिनकी बोले नम ब्रह्मण देवाय, ब्राह्मण का देवता कौन है, बोले कृष्ण स्वयं, इसलिए इनका जन्म भी बहुत हाई फाई परिवार में, इनके जन्म भी देखते बड़े हाई फाई परिवार में। So the first quality birth, Srila Maharaji, he was born where? It was Buxar district of Bihar. And that place is not a normal place. That place is the place where Sri Ram, Sita and Lakshman, they went during exile. This is the place, this is the tapasya sthali of Sri Vishwamitra. When Ram, he was in exile, these three, Ram, Sita and Lakshman, all three went there. And that is the place where Ram killed Taraka. So it was not an ordinary place where Srila Maharaji took birth. And on the top of it, the Brahman family which he was born in, he was born in Tiwari family. And in India, in Brahmins also, there are different categories. There are low-class Brahmins or high-class Brahmins. So Tiwari in Bihar, that is a high-class Brahman family. So not, which is why in scriptures it has been mentioned, Brahmana Nam, Vaishnava Guru, that Brahmins are the guru of everyone. And Namo Brahman Devaya, it has been mentioned that in who are Brahmins, Krishna is the worshipable deity of all the Brahmins. So Maharaj was not born as a, in a, he was born in a high class Brahman family. So Janma, and second call is Janma Aishwarya. Kate Gurudev, jis samay Gurudev थे ऐश्वर्य मतलब होता है पैसा है, कहते गुरुदेव ने वो पुलिस अफिसर थे गुरुदेव, इसलिए हमारे भारत में जो पुलिस होते हैं लोग इतने उनको रिश्वत देते हैं, बहुत रिश्वत उनको देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े केस पुलिस को द्वारा होता है, इसलिए दिखाई पड़ता है गुरुदेव के पास में जो ऐश्वर्य मतलब जो पैसा है, गुरुदेव के पास में पैसा की कमी नहीं था, पुलिस अफिसर रूप में गुरुदेव ने वहां काम करते थे। जन्म ऐश्वर्य बोले श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान, गुरु जी के अंदर में इतने ज्ञान था, इसलिए उनका नाम कहते थे नारायण, नारायण मतलब होता है नर मतलब होता है ज्ञान, अयन मतलब होता है आश्रय, जो ज्ञान की पूर्ण रूप में आश्रय गुरुदेव थे, इसलिए मैं जब पहले जाता था मैं पुरी में, मेरे मन में इच्छा होता था हमें हरि कथा सीखना चाहता हूँ, मैंने सुना कि सुंदर हरि कथा कौन बोलते हैं, इसने कहा मथुरा में एक नारायण गोस्वामी महाराज जो बच्चों को सुंदर सुंदर हरि कथा सिखाते हैं, अगर उनको पास में एक बार कोई अगर रहे, एक बार केवल रह करके हरि कथा सुने तो आप बहुत अच्छे तरह से समस्त शास्त्र सिद्धांत तत्वों का आप अच्छे तरह से सीख सकते हैं, इसलिए सचमुच से मैं जब मथुरा में आया देखा वहां पर तो कृष्ण कथा रूपी नदी की गंगा को प्रवाहित तो होते हुए मैंने देखा, कोई गुरुवर्ग का जब तिथि आ जाए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कोई तिथि आ जाए, मैं देखा दिन में गुरुदेव चार चार बार गुरुदेव हरि कथा बोलते थे, चार चार बार गुरुदेव सवेरे दोपहर शाम और आरती के बाद में चार चार बार गुरुदेव वहां पर कथा सुनाते थे, जब जन्माष्टमी राधाष्टमी होता था सात सात दिन तक वहां पर एक टपी के ऊपर में सारे गुरुदेव समस्त ब्रह्मचारी सन्यासी को खड़े करते थे, गुरुदेव वहां पर कथा सुनाते थे, इसलिए देखा सचमुच से गुरुदेव के अंदर में इतने ज्ञान गुरुदेव के अंदर में, अगर गुरु जी के पास में एक बार अगर कोई हरि कथा सुन लेते हैं, जैसे हम उदाहरण देते हैं जैसे टच स्टोन है, जैसे टच स्टोन जैसे लोहा को स्पर्श करने से पारस पत्थर में जैसे लोहा उसको सोना बना देती है, लेकिन गुरुदेव का अगर किसी को स्पर्श आ गया तो वो सोना नहीं बल्कि वो स्पर्श मणि बन जाता था, हमने ये चीज को अनुभूति किया, इसलिए गुरुदेव के पास में अगर जिसने रहा वो सबके सब गुरुदेव इतने ज्ञानी, हरि कथा में उनको एकदम धुरंधर गुरुदेव ने उनको बना दिया, इसलिए कहते ज्ञान भी जिनके अंदर में परिपूर्ण रूप में था।
So Janma Aishwarya, Aishwarya means opulence. When Gurudev was working as a police officer in India, usually a lot of people, they give bribe to police officers so that their task can become easy. So before joining the Math, when Gurudev was working as a police officer, he had no lack of money. He had so much of opulence in his house. But leaving all of it, Gurudev came to perform bhajan. So Janma Aishwarya. Shruta means gyan, knowledge. So his name Narayan, Nar plus Ayan, means Nar means Gyan and Ayan means shelter. So he was actually the ocean of knowledge. And one can examine from his Harikatha how knowledgeable he was. When I was staying in Puri, I had this desire to learn Harikatha. And I heard that there is one Narayan Maharaj in Mathura who speak very nice Harikatha. He teaches all the brahmacharis how to speak Harikatha, and he nourish everyone very nicely. So when I came to Mathura, I saw that a river of Krishna Katha was flowing in the mud. Wherever there would be any special occasion, a tithi of any Guru Varga, then Gurudev would speak Harikatha four times in morning, and then during noon time, in evening, and after Aarti also. Like four times Gurudev would speak Harikatha on special occasions. And when it was Janmashtami or Radhashtami, for 7 days, there would be special organization, special arrangement for Harikatha. And Gurudev would ask all the brahmacharis and sannyasis to speak on just one topic. For just one topic, brahmacharis and sannyasis, they would speak Harikatha. And in that Harikatha, if one has listened to Harikatha of Srila Gurudev, they can examine it. There is no need for them to go anywhere else. So which is, he was the ocean of knowledge of all the scriptures. He was an expert. In Radhashtami also, special on just one topic, the Harikatha was spoken by all the speakers. Janmashtami. Radhashtami. You have 2 minutes left, so I will have to request you to wrap up the company. Okay, thank you. So, Janma, we can go a bit longer. You got 7 minutes. Apologies. Okay. Janma, Aishwarya, Shruta, and Sri. Sri meaning Sundarata. Sachmuch aap logon ne Gurudev ko dekhe honge. गुरुदेव देखने में कितने सुंदर गुरुदेव है, इसलिए गुरुदेव यद्यपि भारतीय थे लेकिन गुरुदेव का जो रंग है वो भारतीय जैसे नहीं था, विदेश जैसे गुरुदेव का रंग था। इसलिए जब मैंने पहले मंदिर में आए, जब गुरुदेव को देखा, मेरे को तो सोचा नहीं ये कोई भारतीय, मेरे को लगा था ये कोई विदेशी है। उनका इतने सुंदर राधा रानी का जैसे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, इसलिए महा महाराज का जो शरीर का अंग कांति वो एकदम राधा रानी कलर जैसे का रंग था। इनको जो आंखें थी, आप देखे हैं जो गुरुदेव को, एकदम नीला आंखें है उनके गुरुदेव का। ये नीला आंखें साधारण हर व्यक्ति का ये नीली नीली आंखें नहीं होती है, इसलिए गुरुदेव का जो देखने में जो थे गुरुदेव अत्यंत अत्यंत सुंदर। इसलिए गुरुदेव के अंदर में परिपूर्ण रूप में 4 गुण रहते हुए भी गुरुदेव जो भगवान की भक्ति करते थे, इसका मतलब एक महापुरुष ही अभिमान विहीन होकर के भजन कर सकते हैं। So Shruta, I missed a point that Gurudev was like a touchstone. Usually it happens that when the piece of iron is touched with the touchstone, it becomes gold. But all the brahmacharis who stayed with Gurudev, Gurudev was such a magical touchstone that he would make others also a touchstone. Such was the knowledge of Srila Gurudev. And then Shri means beauty. So those who have seen Srila Gurudev, his bodily complexion, when I first came to Mathura Math, when I saw him, I thought that he is not Indian. He would look like a Western person. And his bodily complexion was very much similar to, it was like golden, Tapta Kanchan Gaurangi. His bodily complexion fair and like the complexion of the Srimati Radharani. And his eyes were blue in color, so deep and beautiful eyes. So he was so beautiful, he was very good looking, and on the top, so he had all these 4 qualities, but even after that, when he performed bhajan, so it is very much evident that he was not a normal soul. He was a great personality, which is why he was able to do it. Hare Krishna.
गुरुदेव को हम कहते हैं तीन मृदंग है, कहते एक साधारण मृदंग है, एक होता है बृहत मृदंग है, और एक होता है जीवंत मृदंग है। कहते अगर हम तुलना करते हैं गुरु जी के अंदर में ये तीन मृदंग परिपूर्ण रूप में, पहला जो मृदंग बताए कहते जो साधारण जो मृदंग बजती, इसलिए गुरुदेव बड़े सुंदर इतने सुंदर भजन गाते थे। जब मैंने मथुरा मठ में आया गुरुदेव इतने सुंदर, गुरुदेव का कंठ है अगर, इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के पास में जब कोई आते थे कहते अगर भजन सीखना है कहते जा तुम भक्ति वेदत्त नारायण गोस्वामी महाराज गौर नारायण के पास में जा, उनसे तुम जाकर भजन सीखो कैसे भगवान की भजन करते हैं, हाँ कीर्तन करते। इसलिए आप लोग हम जो मंदिर में आए जो नमामि स्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमानम, गुरुदेव इसको इतने सुंदर गाते थे हम देख करके आश्चर्य हो गए। और एक महीना तक ये अष्टव को गुरुदेव कार्तिक महीना में एक महीना तक व्याख्या करते थे। दूसरा मृदंग जो बृहत मृदंग, बृहत मृदंग ग्रंथों को कहते हैं। गुरुदेव का इतने वैशिष्ट, विशेष करके हिंदी भाषियों के लिए, ये हिंदी भाषी थे इसलिए इनकी विद्वता को देख करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनका मथुरा मठ का इंचार्ज बोले महाप्रभु का वाणी को तुम उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषियों के लिए प्रचार करो। गुरुदेव ने समस्त बंगला ग्रंथ जितने था जैसे जैव धर्म उपदेशामृतम मन शिक्षा शिक्षाष्टकम महाप्रभु का शिक्षा अनंत ग्रंथों को गुरुदेव ने, भगवद गीता को उन्होंने, कितनी ग्रंथों को गुरुदेव ने ट्रांसलेशन किया। विशेष करके गुरुदेव जैव धर्म को 60 बार पढ़ करके गुरुदेव ने वो ग्रंथों को हिंदी भाषा में गुरुदेव ने ट्रांसलेशन किया। इसलिए जिसको बृहत मृदंग कहते हैं, इसलिए इसको बृहत मृदंग कहते हैं, मृदंग का आवाज तो थोड़ी दूर तक जाता है लेकिन ये ग्रंथ जहां पर पहुंच जाए जो व्यक्ति ये ग्रंथ को पढ़ ले बस उनको ये कल्याण कर देता है। इसलिए गुरुदेव का जो ग्रंथ जो बृहत मृदंग के ऊपर में अभी संपूर्ण सारी भाषा में गुरुदेव का जो ग्रंथ को ट्रांसलेशन होकर के सर्वत्र प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बृहत मृदंग। और कहते जो जीवंत मृदंग कहते हैं, कहते जीवंत मृदंग मतलब होता है महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी थे आचिजात नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विमर नाम, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है सचमुच से महाराज संपूर्ण विश्व को उन्होंने 30-30 बार उन्होंने संपूर्ण विश्व में परिक्रमा करते हुए सर्वत्र जाकर गुरुदेव ने महाप्रभु का वाणी को प्रचार और उन्होंने प्रसार किया। इसलिए देखते हैं ये जो तीन मृदंग के ऊपर में गुरुदेव का संपूर्ण अधिकार गुरुदेव। So there are three mridangs which have been mentioned in scriptures. Normal mridang, the musical mridang, brihad mridang, and jivant mridang. The musical mridang is the one which we play. It is seen in Gurudev. He was such a great singer. When he would sing bhajan and kirtan, anyone when he would join mat of when Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he would ask the brahmachari to go and learn kirtan from Sri Gaur Narayan. Because he had such a beautiful voice. And especially when I came to Mutt, I saw that the Damodar Ashtak, Namami Shwaram Sachidananda Rupam. In other Mutts, it is just read like that during Kartik month. But Gurudev would sing this Damodar Ashtak so beautifully. And on the top of it, the explanation of it, that would go for entire month of the Kartik. Gurudev would explain Damodar Ashtak for the entire month. So Jivant Mridang, the musical Mridang, he had this quality of Kirtan. And then Brihad Mridang means the books. This is a very special, this is a great contribution and of Srila Gurudev that he translated all the Bengali books into Hindi. He was Hindi speaking, which is why Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj ordered him to, he made him the in charge of Mathura Math, and he asked him to preach glories of Sriman Mahaprabhu in Hindi language. He translated Jaiv Dharma, Upadeshamrit, Manasiksha, a lot of Siksha Ashtak. There are a lot of books which he translated in Hindi, and Jaiv Dharma Srila Maharaji read for 60 times and then he translated it to Hindi. This is a major special contribution of him. Once these books were translated in Hindi, then they are published in all the other languages of the world also. So he has this special contribution on this Brihad Mridang. Why? And then
Brihad Mridang, why it is called like that? Because the musical mridang that we play, its voice will go, its sound will go to only a short distance. But when the books are published, then when they are distributed, then it goes the entire world, and the glories of Srimad Mahaprabhu is preached in the entire world through these books. And then Jeevant Mridang, like Srimad Mahaprabhu declared, Prithvite Ache Jath Nagar Adi Gram Sarvatra Prachar Hai Bhim Orunam. So the preaching, Brihat Mridang means the preaching. It is seen in the life of Srila Gurudev, how he traveled 30 to 33 times in the entire world, and he preached this mission of Srimad Mahaprabhu. He engaged a lot of jivas from all over the world in this Bhagavad Bhajan, and he made their life successful. So he was he had this complete ownership of all these three mridanga: Jeevant Mridang, Brihat Mridang, and Normal Mridang. We've run out of time, unfortunately. Can I suggest, I have a feeling that we're only halfway through this Harikatha. Could beg you to record the rest of it, you can then send it to me and we can upload it, because this is beautiful. And I feel tearful even stopping the Qatar at this point, but we have another 70 hours to go and we cannot be late. So yeah, if that's possible, I'd be so grateful, because this is beautifully structured Qatar. Would that be possible, Prabhu? Yeah, sure. I will just check with Maharaji, and I have your number, and accordingly I will just send you, if it would be possible for him to speak the rest of it. Even if you can't do it right away, because I think the devotees will appreciate hearing the rest of this guitar. I'm sorry to cut in there, Maharaj, as we don't want to be late for other speakers. Thank you so much. Beautiful, beautiful Harikatha. I'm eager to hear the rest myself. And I also want to thank Shamananda Prabhu for arranging this and translating so brilliantly, actually. So much appreciation. Dhanva. Hare Krishna. Jasodanandana Prabhu ki jai. Thank you, Prabhu. Thank you. You gave chance to me speak glory of Sri Guru Padma. You know, you are my very best friend. You are, when you came temple, you know, with you, I have very, very close, intimate friend with you. So now, you know, after many days, after I take darshan to you, you know, I want more ladu, Maharaj. Okay. More ladu from your heart. Devotees, we're now going to, I'm going to hand over to my dear Shamasundari Devidasi in Holland, who's going to be emceeing the next phase. Thank you so much.